खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वर्मा जी, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गृह मंत्रालय ने जवाब भी मांग लिया है, क्योंकि 2003-04 के आसपास उन्होंने ब्रिटेन में कंपनी खोलने के लिए खुद को वहां का नागरिक बताया। अब वो भारत में चुनाव भी लड़ते हैं, तो उसकी एक शिकायत की गई है। नागरिकता को लेकर भारत में जो कानून है इस वक्त क्या है? क्या कोई दो जगह से नागरिक हो सकता है, दो देशों का, और चुनाव भी लड़ सकता है? नहीं, ये तो दो देशों का नागरिक होने का कोई सवाल नहीं उठता है। और अगर है भी दूसरे देश का नागरिक, तो यहाँ चुनाव लड़ने का भी कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, जब व्यक्ति नागरिकता लेता है एक देश की, तो उसके दूसरे देश की नागरिकता उसको त्यागनी पड़ती है। अब जैसे आप जाएंगे या कोई जाएगा कि भाई हम ब्रिटिश नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसको पहले भारत का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही फिर वहाँ की नागरिकता मिलेगी उसको। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा किया है तो जवाब देंगे। पिछले बहुत बार पहले भी आ चुका है, इलेक्शन कमीशन में भी आया, लेकिन कभी उनका कोई डिनायल आज तक तो आया नहीं है। खैर, ये तो कानून का विषय है। गृह मंत्रालय ने उनसे प्रश्न किया है, गृह मंत्रालय को उत्तर देंगे, जो होगा वो देखेंगे लोग। लेकिन इस तरह से अगर वाकई ऐसा है कि उन्होंने ब्रिटेन में नागरिक बताया खुद को, तो किस तरह का, अगर उन्होंने यहाँ चुनाव भी लड़ा है या अगर बातें छुपाई हैं दोनों देशों से, तो किस तरह कोई, क्या कानूनी कार्रवाई भी उनके ऊपर हो सकती है फिर ऐसे? देखिए, किसी भी गलत काम का अंजाम आदमी को भुगतना पड़ता है, और जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके हिसाब से उनको जो भी सजा होगी, जो भी होगा, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको निपटना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, मेरा एक आखिरी सवाल है कि हाल के दिनों में कुछ दूसरे देशों के में रेजिडेंट होते हुए या वहाँ के नागरिक जैसा दर्जा रखते हुए भारत में भी नागरिकता की एक व्यवस्था दी गई है, क्या ये बात यहाँ पर अप्लाई होती है? नहीं। अगर ऐसी की व्यवस्था हो भी, तब भी क्या चुनाव लड़ने का नहीं हो जाएगा? ये बात यहाँ पे नहीं अप्लाई होती है, क्योंकि उसको कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो यहाँ से नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता जिन्होंने ले ली है, उनको ये सुविधा जा रही है, दी जा रही है। ये सुविधा जो है वो भी दुनिया के हर देश के नहीं है, कुछ सर्टन देश ही हैं जिनके लिए ये प्रावधान बनाया गया है, और उसके अंतर्गत उनको ये सुविधा है कि वो भारत आ जा सकते हैं, उनको वीज़ा से छूट हो जाएगी, आके ज़्यादा समय यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना जो उनकी पुरानी रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, या कुछ करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए उनको सुविधा मिलेगी। बस इतना ही है, चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है।